भाई जानवरों का तो बीमा होता ही है, तभी तो तेरा हो गया। और अच्छा काटा है भाई, मतलब मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूँ, ठीक है अच्छा काटा है। फर्स्ट में मैं जा सकता हूँ ऐसे बात लेके, डांस का रिहर्सल करते हैं, सिंगिंग का रिहर्सल करते हैं, नुक्कड़ नाटक का रिहर्सल करते हैं। क्या मतलब आप छोटे मकसद हो तो एक ही होटल उड़ा। जो बोले सोड़िया सत्रिया का। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज फिर से हम लोग बालकनी में सो गए थे, भल्ला तो इनफैक्ट अभी भी सो ही रहे। क्या मॉर्निंग है, कितना सुंदर है भाई, वो चिड़िया की आवाज़ सुनते हुए उठना भाई, मज़ा आ गया मुझे तो आज सोने में। और भल्ला तो भाई अभी कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 10 बजे के पहले नहीं उठने वाले, 10-11 तो कहीं नहीं गए। और मैं जल्दी इसके लिए उठ गया क्योंकि मेरा 11 बजे का लेक्चर है, मुझे बाल कटवाने जाना है, मुझे वीडियो एडिट करना है, तो इसके लिए मैं जल्दी उठ गया। अभी फटाफट फ्रेश हो जाऊँगा और फिर जाऊँगा बाल कटवाने के लिए, फिर आके नहाऊँगा। और 11 बजे का मेरा लेक्चर है तो उसके पहले मुझे सब करने का है। वीडियो तो मैं 11 बजे के बाद भी एडिट कर सकता हूँ क्योंकि 6:30 तक का टाइम है मेरे पास, तो देखते हैं। अभी बल्ले उठाते हैं भाई, चलो बाल कटवा के आते हैं, तो बल्ला तो उठा नहीं, तो भाई मैंने उसके दादा को बुला लिया है, उसके दादा आ गए भाई उसको उठाने के लिए, बट ये भी नहीं उठा पा रहे, तो अब देखते हैं। बल्ले को 1 मिनट का टाइम दिया उठाने के लिए, अगर उठ जाते तो फिर ठीक है भाई। आज फिर हम लोग निकल गए बाल कटाने के लिए, आज तो बाल कटवा के आएंगे, चाहे जितनी भीड़ हो चाहे जितना लाइन लगे, लेकिन आज तो बाल कटवा के आएंगे। आज फिर से भाई को मैंने उठा दिया है 1 घंटे पहले ही, तब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, और ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है कल के जो ब्लॉग का है, तो अब मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया, 12:30 तक वीडियो अपलोड होंगे लॉन्ग ब्लॉग्स के, तो 12:30 तक जिस टाइम पे मिनी ब्लॉग अपलोड होता है उसी टाइम पे आप लोग आके लॉन्ग ब्लॉग भी देखा कीजिए। क्या बात है भाई, जानवरों का भी बीमा होने लगा क्या? क्या जानवरों का भी बीमा होने लगा क्या भाई? जानवरों का तो बीमा होता ही है, तभी तो तेरा हो गया। पानी वाले जानवरों का भी होने लगा क्या? तो हिप्पोपोटामस है ना भाई, कर दिए तेरा फिंगरप्रिंट कैसे लिया था? लेकिन बाकी सब छोड़। क्या हो गया, कल का पायलट आज कामवाली भाई कैसे बन गया? ऑलराउंडर भाई। तो मेरा नहा के हो गया, मैं बाल कटा के आ चुका हूँ, और अच्छा काटा है भाई, मतलब मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूँ, ठीक है अच्छा काटा है। फर्स्ट में मैं जा सकता हूँ ऐसे बाल लेके। और आज के लेक्चर भी मेरे कैंसिल हो गए, 11 बजे से थे, 11 बजे के एक लेक्चर थे, उसके बाद शाम के थे, तो वो कैंसिल हो गए। तो आज मैं पूरा दिन फ्री, मतलब संडे में भाई एंजॉय कर सकता हूँ। तो अभी प्लान करेंगे सीरीज देखने का या कुछ करने का। अभी जो बैल्कनी है, बैल्कनी में गद्दे पड़े ही हैं, तो अभी कुछ प्लान करेंगे, ढकेंगे ताकि लाइट वाइट ना आए, और फिर इधर ही बैठ के मैं और बल्ला सीरीज देखेंगे या कुछ देखेंगे। तो अभी देखते क्या होता, अभी तो बल्ला साफ़ सफाई कर रहा है, हो गई भाई की भी साफ़ सफाई होगी, अभी भाई ना आएगा, खाना खाएंगे, तो फिर उसके बाद प्लान करेंगे सीरीज देखने का। सीन हो गया था, मैंने लॉन्ग ब्लॉग तो अपलोड कर दिया, स्केड्यूल कर दिया मैंने शॉर्ट ब्लॉग्स को, जो मेरा मिनी ब्लॉग है उसको मैंने इंस्टा पे स्केड्यूल कर दिया अपलोड करने के लिए, बट यूट्यूब पे मैं भूल ही गया भाई, लॉन्ग ब्लॉग के एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया उसको यूट्यूब पे स्केड्यूल करना या अपलोड करना। तो मैंने अभी जस्ट किया उसको, भी मैं पब्लिकली डायरेक्टली डाल दिया मैंने, और जितने देर में मेरी मैगी भी बन गई, तो अभी मैगी खा रहे, और अभी सीरीज का कुछ जुगाड़ करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने ऊपर पैक कर दिया, खाली लैपटॉप लेके बैठने का। अभी आ रहा है हमारे कॉलेज का फर्स्ट, आप लोगों को तो पता ही है, तो लोग डांस का रिहर्सल करते हैं, सिंगिंग का रिहर्सल करते हैं, नुक्कड़ नाटक का रिहर्सल करते हैं, या हमारे प्लान पे हो रहा है भाई कॉस्ट्यूम रिहर्सल। भाई को पहनना है पगड़ी, तो भाई आज पहन के चेक कर रहे कि कैसे पहनी जाती है, और भाई को तो आती है नहीं पहनने, क्योंकि भाई ये मोना पंजाबी भाई नकली होते ना चुट्टू, तो नकली पंजाबी है भाई, तो इसके लिए भाई को आती नहीं है, तो उसके लिए सेजन भाई पहना रहे हैं। और इसके पहले भल्ला भाई ने स्टेटमेंट की थी कि इनके पप्पा को आती है, बट मैं तो कभी किसी को पगड़ी पहना ही नहीं, तो पता नहीं इसको कैसे पता इसके पप्पा को आती है। तो आजकल के बच्चे तो आप देख ही सकते हो कैसे अपने बाप को गाली दे रहे हैं। अभी जुड्डू भाई पहनाएंगे, हाफ हो ही चुका है, मैं भी सोच रहा हूँ ट्राई कर लूँ पगड़ी पहन के, अगर मस्त आती है तो भाई सेकेंड डे में पहन लेंगे, फर्स्ट के पगड़ी पहन के चलेंगे। भाई ने पगड़ी भाई पहन ही ली है, और लेकिन भाई जान पंजाबी तो नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा भाई जान मकसद ना पड़ा है, एक दो ट्रेन या होटल उड़ा गया ना भाई, मतलब ऐसा इतना गंदा पंजाबी मैंने पहली बार देखा भाई, पगड़ी में इतना भाई यार, मतलब भाई जान मकसद की बोल, ध्यान से देखो भाई, भाई कम से कम 4-5 होटल तो उड़ा ही देना भाई, क्या मतलब आप छोटे मकसद हो तो एक ही होटल उड़ा। भाई मैंने भी चालू कर दी पगड़ी पहनना, भी देखते बल्ला भाई तो मकसद लग रहा था, बोलना भाई आ जाना अभी है, बल्ला एक होटल आपके चार
बल्ला भाई तो मकसद, बल्ला भाई तो मकसद लग रहा था। अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा लग रहा हूँ मेरे बियर्ड की वजह से, बट अभी पूरी पगड़ी पहनने के बाद देखना भाई, मेरे से ज्यादा असली पंजाबी कोई नहीं लगेगा पूरे घर में। अभी जिद्दू भाई फेल हो जाएगा मेरे सामने तो लपेट रहा भाई अभी बात। वेट जस्ट वेट एंड वॉच भाई, आज तुम्हारा भाई पंजाबी बन के रहेगा चाहे जो हो जाए, नो कन्वर्ट नथिंग। अभी देखो भाई छोटा मकसद यहाँ पे सामने आके खड़ा हो गया, छोटे मकसद, छोटे मकसद। लगता बम फोड़ने जा रहे थे तो भाई भाई स्टार्ट स्टाइलिस्ट आ गया है मेरा। अरे चला गया, अरे यार अलग टीला स्टाइलिस्ट तेरे को गुलाब जल मार दी भाई साहब ऐसी इसका गुलाब जल पानी है नहीं भाई, स्मेल आ रहा है गुलाब जल, गुलाब जल की स्मेल आ रही, पानी है उसमें कोई नहीं भाई, मीठा है, मीठा मीठा लग रहा है भाई सर गुलाब जल भाई। चलो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाली तुम लोग प्रोसेस देखो यहां पे टाइट पकड़, मुंह में पकड़ता दांत में लगा के, क्योंकि दांत में लगा लगा। अबे बोलना कैसे होगा मुंह में पकड़वा। अब समझा भाई तुम क्यों नहीं बोल पाते? तुमने कहा ना भाई बोलना नहीं है, अभी अभी रुक जाओ भाई, जब तक बंद नहीं जाती तब तक बोलना नहीं है कुछ। नकली मैं नहीं घूम पाऊंगा, यही खड़ा रहूंगा। तो अपनी पकड़ी की भाई, मैंने पकड़ी लिया, इनके में चार फेरे में हो जाती है भाई, चार फेरे में आधा भी नहीं हुआ। ओहो क्या लग रहा भाई, क्या लग रहा, हाथ से पकड़ ले रहा उसको मुंह से निकाल के, बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन बकचोदी करनी है पूरी। ए भाई ले, ओह माय गॉड पगड़ी शेप में आते हुए ये तो भाई ओहो कहाँ पकड़े हो आज का मत भाई, गला बांध दिया था भाई मेरा पगड़ी के चक्कर, मुंह से निकाल ही ले दो भाई बोलता हूँ। मेरे पे सही लग रही है भाई, लेकिन भाई अभी रुक जा, मकसद तू भी लग रहा है पूरा। कोई बात नहीं भाई, आने दे भाई पहले, पूरी आने दे, मेरा भी मकसद है भाई हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र ज्ञान व्यापी मंदिर, ज्ञान व्यापी मंदिर, काशी विश्वनाथ तो आ गया, हम मुंडी टाइट करना ना, वृंदावन बाकी है भाई, अब वृंदावन बाकी है। बहुत स्ट्रगल है भाई ब्लॉगिंग में, देख रहे हैं अभी तो नहीं करता भाई, अभी ये नहीं करना होता, आराम से बैठा होता, लेट के बांध, लेट के बंधवाता चुट्टू से पकड़ी। अभी लेकिन चश्मा किसे पहनूंगा इसके ऊपर, यहाँ से घुसा के पहनना पड़ेगा भाई, अभी देख अभी चश्मा ही पहनना, इसको भी रोज़ है नीचे से इस साइड से, ठीक ठीक है थोड़ी खींचना है जैसे मुंडे में तो काट दिया मैंने उसकी, नहीं नहीं मुझे पगड़े से लूज लग रही है, टाइट करना है तो खींच के करते, यहीं से खींच लेगा ना, मैं निशा वीडियो कॉल करो जरा, सही लग रहा है भाई। अरे एक भाई का दिखाता हूँ, मेरा एक भाई है सचिन, उसने भी पहनी, उसने तो बहुत बड़ी वाली पहनी थी भाई, एकदम मटकी टाइप लग रही थी, थोड़ा पंजाबी वाली पहनी थी उसने, वो बहुत बड़ी थी भाई, मैं उसकी तरह दिख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मामा का लड़का है, अपने कॉलेज में दूसरा नहीं है जूनियर सरदार, ऐसा लग रहा है ऐसा। कुछ भी बोलो बल्ला से सही लग रही है, हाँ भाई हाँ बल्ला से सही लग रही है, छह मीटर अगले चार मीटर आती, छह चार तो मतलब नहीं है, इट्स अबाउट पर्सनालिटी, आंखें भाई परफेक्ट है ये इसको, अबे भाई ये भी स्टाइलिस्ट पे बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ओह माय गॉड सॉड गुड है।
ओ सोड़ गुड़ी कितने चाह रही है भाई, क्या लग रहा भाई, मतलब देख सकते हो भाई तुम्हारा भाई पीछे से भी मस्त लग रही है। जो बोले सोड़ियाल सत श्री अकाल। चलो भाई जा रहा हूँ अब मिलिट्री में भाई एडमिशन लेने, मेरे पे सही लग रही है भाई, मुझे पहन लेने दो, पहन देख रहे हो तो पहन ही रहा है, इतना सोना मुंडा। तो भाई पगड़ी में तो अच्छा लग रहा हूँ मैं, घर पे भी वीडियो कॉल कर लिया, सब लोग बोले अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो भी सोचूंगा कॉलेज में पहन के जाना है कि नहीं, देखते सेकंड फेस्ट में जरूर पहन के आने का सेकंड डे में, क्योंकि उस दिन हम शक्ल है, तो अगर हम शक्ल बन में रहेगा तो पहन लूंगा। तो भाई अभी तक हम लोग देखते सीरीज नई मूवी देख रहे थे, और अभी जा रहे डिनर के लिए, क्योंकि आज संडे तो कुक भैया आए तो है नहीं, तो आज जा रहे डिनर करने के लिए बाहर, और मुझे वीडियो एडिट करके आज रात में रखना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह कॉलेज है, तो मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा ना ही इतने जल्दी अपलोड होगा, तो मैं रात में ही अपलोड करके रखूँगा, मतलब शेड्यूल करके रखूँगा, अभी जा रहे खाना खाने। तो गाइज बस आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए।